एम श्योर आप देख रहे हैं मौलिक शक्ति। कल राजीव कुमार ने लोकसभा चुनावों के तारीखों की घोषणा की, लेकिन उस समय उनका जो अंदाज था वो कुछ शायराना रहा। तो आज की हमारी बातचीत भी एक शायरी से शुरू होगी। ये शायरी भी उन्हीं की चंद लाइनों में से दो चंद लाइनें मैं आज अभी आपके सामने कहूंगी। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की बताती हूं। ये ईवीएम के मुद्दे पर जब राजीव कुमार ने कहा तो उस वक्त हंसी का जो की जो लहर थी वो एक बार को गूंज गई पूरे वहां पर उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। मगर सवाल ये उठता है कि क्या ये हंसी मजाक का मुद्दा है? ईवीएम का मुद्दा जो इतने समय से लगातार विपक्ष उठाता आ रहा है, जिसके लिए हर कुछ दिन पर सड़कों पर न जाने कितनी संख्या में लोग उतरते हैं और कितनी लंबी लड़ाई इसकी सुप्रीम कोर्ट में चली आ रही है, क्या ये एक हंसी मजाक का मुद्दा है जिसे कि डब्बा कहकर राजीव कुमार ये बात कहते हैं कि एक डब्बे को लेकर इस तरीके से बात को बढ़ाना सही नहीं है। हम कितनी बार क्लियर कर चुके हैं कि ईवीएम में कोई खराबी नहीं है और उसके बावजूद इस तरह की बातें होती हैं। दोस्तों, लोकसभा चुनाव की तारीखें तय हो गई, 7 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव को लेकर के अब आचार संहिता कल से लागू हो गई है, लेकिन इस सब के बीच जो अहम बात है वो ये कि इस बार 2 करोड़ से ज्यादा की जो संख्या में लोग हैं वो नए वोटर्स हैं, उसके बावजूद वही पुराने घिसे पिटे मुद्दे उठाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। बीजेपी को लग रहा है कि वो एक बार फिर से राम राज के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर, सीए के नाम पर, बेरोजगारी का तो कहीं कोई मुद्दा ही नहीं है, बस यही राम मंदिर, सीए, एनआरसी और 370, 3 तलाक, ये सारे पुराने मुद्दे, कश्मीर का मुद्दा या फिर जितने भी मुद्दे हैं उनको एक बार फिर से उठाकर लाने का प्रयास कर रही है बीजेपी। 10 सालों में जिस बीजेपी से, जिस प्रधानमंत्री से आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, वो प्रधानमंत्री किस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव के मुद्दे उठाने का प्रयास करेंगे या फिर क्या मुद्दे उठाएंगे, इस बात को आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं। मगर फिर भी आज इसी मुद्दे पर हम डिस्कशन करेंगे कि आखिर लोकसभा चुनाव के लिए क्या सब कुछ इस बार, क्या आंकड़ा होगा, महिलाओं का कितना आंकड़ा होगा, पुरुषों का क्या आंकड़ा होगा, किन मुद्दों पर चुनाव के मद्देनजर सिक्योरिटी टाइट करने के लिए कही गई है और क्या क्या चीजें इस बार गंभीरता से कही है चुनाव आयोग ने और किस चीज को गंभीरता से नहीं लिया है। जहां एक तरफ चुनाव की हर एक प्रक्रिया को गंभीरता से लेते हुए चुनाव आयोग ने कई तरह की बातें कही है। चुनाव आयोग ने कहा है कि बाहुबल और पैसे का पर नजर रखी जाएगी, यानी कितना आप किस तरीके से बाहुबल का प्रयोग कर रहे हैं या फिर पैसे किस तरीके से आप फेंक रहे हैं चुनाव में, ये नहीं चलेगा, उस पर ध्यान रखा जाएगा, नजर रखी जाएगी। एक ऐप होगा जिसके जरिए शिकायत कोई भी कर सकता है। चुनाव में हिंसा पर बिल्कुल ही नियंत्रण रखना है, किसी तरह का कोई हिंसा नहीं होना चाहिए। कंट्रोल रूम बना रहेगा हर जिले में। इंटरनेशनल बॉर्डर पर सख्ती बढ़ा दी जाएगी। शिकायत करने के लिए टोल फ्री नंबर 1950 दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। जिस क्षेत्र में चार्टर प्लेन या फ्लाइट उतरेगी वहां पर उसकी पूरी तरीके से चेकिंग की जाएगी। मिस इन्फॉर्मेशन नहीं फैलाना है, किसी भी हालत में मिस इन्फॉर्मेशन से बचना है। पैसे के दुरुपयोग पर पूरी तरीके से नजर रखना है। और इस सब के बीच आपको बता दूं कि इस बार 57 करोड़ वोटर्स वोट डालेंगे। भारत वर्ष में एक बार फिर से 2 करोड़ की संख्या बढ़ी है लगभग वोटर्स की गिनती में। 55 लाख ईवीएम के तहत ये सारी वोटिंग प्रक्रिया को पूरा कराया जाएगा। इसमें लगभग 1.5 करोड़ जो ये हैं वो चुनाव अधिकारी होंगे इसमें। और इस सब के बीच 82 लाख वोटर्स जो हैं वो आपको
पुराने वोटर्स महिला और पुरुषों को मिलाकर के है। कुल मिलाकर 39 करोड़ पुरुष मतदाता होंगे, 47 करोड़ महिला मतदाता होंगे, 48,000 ट्रांसजेंडर वोटर्स होंगे और उसमें 1.82 करोड़ फर्स्ट टाइम के वोटर्स होंगे। आपको ये भी बता दें कि 20 करोड़ इस बार युवा वोटर्स होने वाले हैं। जो लोग वोट देने नहीं पहुंच पाते हैं अपनी स्वास्थ्य कारणों के कारण, 85 से अधिक उम्र के लोग जो नहीं दे पाते हैं वोट, वो अब घर से वोट दे पाएंगे, घर से वोटिंग की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर पाएंगे। उसके साथ ही इस बार 2 लाख से ज्यादा 100 से अधिक उम्र के वोटर्स हैं। लेकिन इस सब के बीच जो अहम चीज है वो ये है कि ये सभी लोग वोट जिसको देना चाहते हैं, क्या ये वोट उसी तक पहुंच रहा है या नहीं, ये बेहद अहम सवाल है। ईवीएम को लेकर राजीव कुमार ने चुनाव आयुक्त चीफ चुनाव आयुक्त जो थे उन्होंने ये बात कही है कि ईवीएम की क्लैरिटी के बारे में हमने कई बार कहा, इससे पहले भी जब जब शिकायत हुई है हमने उस पर चर्चा की है, जब जब शिकायतें आई है हमारे पास हमने उस पर कार्यवाही की और आगे भी आएगी तो करेंगे, लेकिन इस मुद्दे को जबरदस्ती उठाया जा रहा है। हालांकि इस पर विपक्ष ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसा है तो फिर सबसे पहली चीज तो कि ईवीएम के मुद्दे पर जिस तरीके से कहा है चुनाव आयोग ने, ये शब्द उनके हिसाब से सही नहीं है। इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल, डब्बा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना उनके लिए सही नहीं है। और दूसरी चीज ये है कि अगर ऐसा है तो फिर वीवीपैट के मुद्दे पर चुनाव आयोग हमारे साथ बैठकर सवाल जवाब क्यों नहीं करना चाहता है। चुनाव आयुक्त को क्या दिक्कत है वीवीपैट के मुद्दे पर हमारे साथ बैठकर बातचीत करने के लिए? हमने कितनी याचिकाएं दायर कर दी है अब तक इसे लेकर के? सेम यही सवाल इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भी लगातार विपक्ष उठा रहा है, जिसमें साफ तौर पर विपक्ष कह रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर भी आप देख लीजिए कि किस तरीके से SBI सारी इंफॉर्मेशन सही तरीके से नहीं दे रहा है निकालकर, बार बार सुप्रीम कोर्ट को इसे लेकर फटकार लगानी पड़ रही है। क्या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को फटकार लगानी पड़ रही है ये सही है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरी बार वार्निंग के बाद SBI एक डेटा जारी करता है जिसमें कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड के नंबर तक नहीं बताता, ये तक नहीं बताता कि किस कंपनी ने, जो ये बताया गया है कि किस कंपनी ने कितना कितना दिया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि किस कंपनी ने किस पार्टी को वो इलेक्टोरल बॉन्ड दिया है। गेमिंग कंपनी, एक सट्टा लगाने वाली कंपनी जब 1300 करोड़ के बॉन्ड्स खरीद लेती है और उस वक्त उसमें जब सबसे बड़ा डेटा आता है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड्स मिले थे 6000 करोड़ के, तो फिर ये सवाल नहीं उठता है कि क्या सट्टा लगाने वाली कंपनी के इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर, पैसों पर, चंदे पर, या फिर कह लीजिए कि जिस तरीके से इन कंपनियों पर ED CBI के छापे पड़ते हैं और उसको हटवाने के ये सौदेबाजी करके बीजेपी अपने चुनावी चंदे इकट्ठे करती है, क्या यही सच्चाई है? क्योंकि जिस कंपनी पर जब जब ED CBI के छापे लगे हैं तब तब उसके बाद वो कंपनी चंदा दे रही है, तो फिर इसका क्या मतलब है? जितने भी कंपनी के नाम इसमें दिए गए हैं दोस्तों, आप एक एक को रिसर्च कर सकते हैं कि किस तरीके से जब जब जिस पर ED CBI के छापे लगे हैं या फिर किसी तरह का कोई आरोप लगा है तो उसके बाद वो जाते हैं और वहां पर कहते हैं कि, उसके बाद उनको याद आता है कि अच्छा चंदा भी देना है, तो फिर चंदा देते हैं, जिसके बाद उनके ऊपर से जितनी भी कार्रवाइयां हो रही होती है वो खत्म हो जाती है, ED CBI अपने आप उनके घर से दूर हो जाता है उस चुनावी चंदे को देने के बाद। तो क्या वो चुनावी चंदा कांग्रेस के आ जा रहा है? क्योंकि कांग्रेस के तो खुद के नेता पर ED CBI के छापे पड़े हुए हैं। आम आदमी पार्टी के पास जा रहा है जिनके अध्यक्ष पर ही ED का शिकंजा लगा हुआ है, या फिर किसी अन्य पार्टी पर जा रहा है? TMC की भी हालत वही खराब है और ED CBI किसके कंट्रोल में है ये किसी को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ना ही किसी को बोलने की जरूरत है कि ED CBI केंद्र के इशारों पर चल रहा है। और अगर केंद्र के इशारों पर चल रहा है तो ED CBI के छापे पड़ते ही जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे जाते हैं और चुनावी चंदे दिया जाता है ये साफ तौर पर जाहिर करता है, ये जग जाहिर हो चुका है। इतनी बड़ी सीधी क्लैरिटी से बात कह दी गई है कि साफ तौर पर जो है अब चुनावी चंदे को लेकर के बीजेपी फंस चुकी है और यही कारण है कि CA के मुद्दे को जबरदस्ती उठाया जा रहा है। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के ऑफिस के बाहर हंगामा करवाया जाता है, फिर कांग्रेस ऑफिस के बाहर हंगामा करवाया जाता है और ये सब कुछ एक प्लानिंग के तहत होता है। ऐसा नहीं है कि ये बिना प्लानिंग और प्लॉटिंग के हो रहा है। और अब इसी के बाद ये सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर
क्या राम मंदिर मुद्दा होने वाला है 2024 का, या फिर दूसरे जगहों की बात कर ले तो फिर क्या बिहार में जिस तरीके से राजनीति में खेल करने की कोशिश की गई उसी तरीके से हर जगह पर बीजेपी यही सब खेल करके किसी तरीके से जीत हासिल करेगी। 400 पार की जो बात कही जा रही है, आखिर 400 पार का इतना की जो इतनी सिक्योरिटी है वो कैसे है उन्हें अगर बिना ईवीएम में किसी पेच को फंसाए जीत हासिल करने की बात हो रही है तो, क्योंकि पूरा इंडिया गठबंधन एक साथ है जहां पर सारी पार्टियां एकजुट हो चुकी है, तो क्या वहां पर उस सब के बावजूद भी 400 पार एनडीए सीधे ये दावा कर देना, ये यूं ही दावा कर दिया गया है, या तो ये भी फिर जुमला होगा? और नहीं, अगर आपको इतनी गारंटी है तो इसका कारण क्या है? क्योंकि जनता तो सड़कों पर आई हुई है, तो फिर वोट कौन दे रहा है? दोस्तों 2024 के चुनाव की तारीखों के बीच जो सवाल लगातार उठ रहे हैं, इसे आप किस तरह से देखते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए मौलिक शक्ति।